अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज देखिए, मैंने उस दिन आपको दिखाया था कि घर में कोई ना कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हम लोगों के पास घर में हर चीज़ अवेल होनी चाहिए। और मैंने बताया था जब मैं शॉपिंग करके आई थी तो जो ग्रोसरी भी लेके आई थी तो उसमें सेवइयां भी थी और ये देखें जैली भी थी। हमारे घर में अपी आई हुई हैं, अपी के छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, तो उनके लिए देखें हम बना रहे हैं नूडल्स। ठीक है जी, उन्होंने फरमाइश किया नूडल्स बनाएं और साथ हमारे लिए सेवइयां बनाएं और साथ ये जेली बनाएं। अच्छा, इन बच्चों को पता है क्या आदत है? अभी तो ये बच्चे सो रहे हैं और यानी COVID-19 के बाद बच्चों में ऐसी रूटीन हो गई है कि बच्चे रात को देर तक जागते रहते हैं। अब इन्होंने 9 बजे उठ जाने और 3 बजे जाके दोबारा सोना, तो फिर ये क्या करते हैं? ये सारा कुछ ना कुछ खाने को ये ढूंढते रहते हैं। और सोने से पहले फरमाइश करके सोई थी कि हल्ला हमारे लिए ये बना दें। ये अब इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारी गेस्ट चली जाती है ना, तो हम लोग उसे पहले बनाने लगे हैं कि ताकि जब बच्चे उठें कम से कम ये कुछ खा लें, कुछ बनाओ। और बेक पार्लर, अच्छा ये देखिए, ये बेक पार्लर वालों की सेवइयां हैं। पहले तो वो काटना है, काटने के बाद क्या करना है आपने कि इसमें जो सेवइयां हैं इसको तोड़ना है आपने। ओके ओके, ठीक है, इसको अच्छे से तोड़ लिया। अब क्या करना है इसको? हमने इसको क्या करना है कि इसको पानी में ऐड करना है। ठीक है, पानी ऑलरेडी बॉयल हो चुका होगा, इसमें पानी में ऐड करना है। ठीक है, अब इसे इन्होंने पानी में ऐड कर लिया। अच्छा, जब ये सेवइयां बॉयल हो जाएंगी तो ये आप मीठी वाली बनाने लगे कि दूध में ऐड करना है आपने? इसलिए मीठी मीठी। अच्छा, आपने इसको मीठे बनानी है, तो आपने क्या करना है कि जब सेवइयां बॉयल हो जाए इसको स्ट्रेन कर लें, इसका पानी जो है ये उतार लें। उसके बाद क्या करना है, और फिर इसको चीनी और शीरे में ना आपने पकाना है। वो भी अभी मैं दिखाती हूँ कि इसको क्या करना है। अब देखिए, हाँ सेवइयां बॉयल हो गई हैं तो इनको क्या करना है, ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लेंगी क्योंकि इसको बाद में हम लोगों ने शीरे में बनाना है। और ये देखें, ये देखें, ये देखें, देखिए इसका जो पानी है सारा स्टेप। वाओ, देखिए धुआं, कितना अच्छा व्यू आया, कितना मज़े का सीन है ये। आप देखिए, अब इनको वापस इसमें डाला और अब आप इसे क्या करेंगे इसमें? अच्छा, इसमें आपने घी ऐड करना है। ओके, हाँ जी, देसी घी इसमें ऐड करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि वो बच्चे हैं, बच्चे फिर इतना ऑयल खाते नहीं हैं। ओके ओके ओके, सारे सेवइयों को ठीक है, सारी सेवइयां जरा इसमें मिक्स हो जाए, बहुत है मुझे लग रहा है, इनफ करें क्योंकि बच्चे इतना ये आज के बच्चे हैं और ये इतना ऑयल नहीं खाते। ठीक है, अब इसमें आप चीनी ऐड करेंगी। कर दें। ओके, मीठा अपने मुताबिक आप डाल लीजिएगा, बच्चे हैं तो बच्चे आपको पता है कुछ मीठा ज़्यादा ही खाते हैं। उसके मुताबिक चीनी ऐड की। ठीक है, चीनी ऐड करने के बाद अब इसको क्या करना है, मिक्स करेंगे इसको। इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और वो जो है अच्छे से इसको मिक्स करना है ना आपने। ठहर जाए, अब ये देखें नूडल्स रेडी हो गए उनके लिए, ताकि जब रात को उठें और वो अच्छे से इसको नोश फरमा लें और खा लें और इंजॉय करें। हाँ, ऐसी उर्दू भी बोलनी चाहिए हमें, अपनी उर्दू को भूलना तो नहीं ना चाहिए। ठीक है, चलें जी, ये हो गए हमारे नूडल्स रेडी। ये देखें सेवइयां भूनने के बाद और घी डालने के बाद देखें कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर इसमें आ गया। और आपने ऐसे ही कलर रखना है ना इसको, ये गोल्डन गोल्डन सी अच्छी लगेंगी। ओके, लेंगे हमारी दूसरी रेसिपी जो है, ये भी तकरीबन रेडी है बच्चों की फरमाइश के लिए, जो बच्चों ने फरमाइश की हुई थी। लें जी, देखें बस अप्पा बस करें, इतनी ही काफ़ी हैं पेट में, इतनी ही ठीक है। ओके, कितनी अच्छी लग रही। अच्छा ठीक है, ये जो है ये बन गए, लेकिन जो सोई है वो भी मैं जब अपनी अम्मी जी को देख आऊँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ, और फिर माँ जी बताएंगी कि ये कैसी बनी है कैसी नहीं बनी, क्योंकि चटपट रेसिपी है और ये फ़ौरन जो है वही टेस्ट करेंगे और वही बताएंगे ये कैसी पकी है और बनी है। हाँ जी, अब बनने लगी है जेली। तो जेली के लिए आपने क्या करना है, 2 कप पानी आपके पास चाहिए। तो ये देखें, 1 कप तो पानी डाल दिया, अब ये 2nd कप अब इसमें डालें।
ओके, अब इसको क्या करना है, पानी को गर्म करेंगे हम लोग, बॉईल करेंगे। ठीक है, ओके, पानी को बॉईल करेंगे हम लोग, इसमें हम जाली डालेंगे। अच्छा, मोबाइल को दूरी रखिएगा, ठीक है। देखिए फौरन ऊपर साइन आ गया हीट का। अच्छा, ये तो तीन जेली है, तो ये बच्चों ने कौन सी फरमाइश की थी, किस कलर की बना रही हो आप? मैंगो। मैंगो, ओके, येलो कलर वाली मैंगो फ्लेवर में, ओके ठीक है भाई। बच्चों के तो फ्लेवर में टेस्ट जो है बच्चों का, उसी के मुताबिक हम लोग बनाएंगे। डाल दिया अब ये सेकंड कप, अब इसमें डालें। ओके, अब इसको क्या करना है, पानी को गर्म करेंगे हम लोग, बॉईल करेंगे। ठीक है, ओके, पानी को बॉईल करेंगे हम लोग, इसमें हम जाली डालेंगे। अच्छा, मोबाइल को दूरी रखिएगा, ठीक है। देखिए फौरन ऊपर साइन आ गया हीट का। अच्छा, ये तो तीन जेली है, तो ये बच्चों ने कौन सी फरमाइश की थी, किस कलर की बना रही हो आप? मैंगो। मैंगो, ओके, येलो कलर वाली मैंगो फ्लेवर में, ओके ठीक है भाई। बच्चों के तो फ्लेवर में टेस्ट जो है बच्चों का, उसी के मुताबिक हम लोग बनाएंगे। अच्छा, पानी जब तक गर्म होता है, मैं आपको बता दूं कि ये रिफान वालों की जेली है, मैंगो जेली, क्योंकि हमारे घर में जो यानी मीठे में आता है जो जेली आती है वो रिफान वालों की ही आती है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है और बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोग खुद भी जब ट्राइफल बनाना हो, कोई मीठा बनाना हो, तो उसमें कस्टर्ड वगैरह बनाना हो, तो फिर हम लोग ये रिफान वालों की ही हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, चले चले चले। ठीक है, इसका ना फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलें अब इसको ओपन करें, जल्दी से देखें कि क्या करना है हमने इसको ना, जल्दी से। और ये देखें हमारा जो पानी है वो भी बॉइल्ड हो रहा है, ठीक है। और अभी देखिएगा कट करके इसमें ऐड करने लगी है, पानी अच्छे से गर्म करना, ठीक, पानी को अच्छे से गर्म करना है आपने। ओके, डाल दें। ओके ओके, वाह कितना सुपर कलर आया है, वाह है ना, कितना टेस्टी लग रहा है, कितना प्यारा सा येलो कलर आया है। बच्चे साफ सुथरा खाए, हाँ, आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को घर में खुद साफ अच्छी चीज़ें बना कर दें, बजाय बाहर से मंगवा दिया। और हम लोगों ने अब देखा कि मदर्स क्या करती हैं कि वो बच्चों को बाहर से मंगवा देती हैं, लेकिन वो बेचारी भी क्या करें, उनके पास भी सारे दिन में इतने टास्क होते हैं, इतने काम होते हैं कि वो थक जाती हैं, कि उन्होंने बहुत से टास्क करने होते हैं, बहुत घर के डिफरेंट काम करने होते हैं, तो फिर वो बच्चों को बाहर से मंगवा देते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो उनके आने से पहले पहले आप ये सारी चीज़ों को रेडी कर लें। आप खुद देखें कितना को टाइम लगा है आपके सामने, सिर्फ चार से पाँच मिनट में जो तीन रेसिपीज़ रेडी हो गई हैं। अगर घर में मेहमान आए तो फौरन उनके लिए भी आप सेवइयां रेडी कर लें मीठे में, और इसके बाद ये देखें घर का साफ सुथरा। ओके, हाँ जी जी, घर का साफ सुथरा आप इनको खिलाएं। हाँ जी, देखें अभी तो ये बन रही है, तो बच्चों ने कहा था कि उनको इसी फॉर्म में चाहिए, तो इसी जब ये पक जाएगी तो इसको इसी पैन में रख दिया जाएगा, इसी शेप में ये रहेगी। और ये रूम टेम्परेचर पे आपने ठंडा करना है। कुछ लोग होते हैं फौरन फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में नहीं रखना है आपने इसको, रूम टेम्परेचर में इसको ठंडा करना है। अगर आपको जल्दी हो तो ये देखिए नीचे प्रातः में पानी है, पानी में पैन को रख दिया और इसके मुताबिक ताकि जल्दी जल्दी ठंडी हो जाए, और इसके बाद में मैं आपको दिखा सकूँ कि ये कैसी बनेगी। इसलिए जल्दी से इसको हम ठंडा कर रहे हैं। जब तक जेली ठंडी हो रही है तो ज़रा माँ जी को हम लोग ये टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट भी करवाते हैं जी, कैसी बनी है ये और इनकी बेटी ने कैसी कुकिंग की है। हाँ जी अम्मी जी, ज़रा इसको टेस्ट करके बताएं कि ये कैसी बनी है। हाँ अम्मी बताएं कैसा है, मीठा कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। हाँ जी जी, देखा अम्मी के कमेंट्स आ गए हैं कि ये बहुत अच्छी बनी है और आप लोग भी इसको ट्राई करना। मैं बता रही हूँ कि जेली जो है वो भी फ्री वो हो गई है, ठीक है, रेडी हो गई है। और ये देखिए मेरे पास डिफरेंट कटर है, हार्ट शेप में भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, और स्टार में भी। अभी देखती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ कि इन्होंने किस शेप में ना खाना है। तो बच्चों ये जो है वो मोस्टली स्टार, ठीक है, बच्चों के मुताबिक है। तो बच्चे आपको पता है स्कूल में भी टीचर स्टार हो, यहाँ पर भी कहेंगे स्टार ही बच्चे ज़्यादा रेफर करते हैं। हाँ जी देखिए, पहले तो स्टार बना लिया, अब हार्ट का सांचा, ठीक है। ये देखें, ये हार्ट भी था और स्टार भी था और डिफरेंट शेप्स थी ना जो मैंने आपको दिखाई थी सांचों की, तो वो बना ली है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको अलहदा निकालते हुए। हाँ जी ये देखें, एक तो इनको हार्ट शेप में काटा था और उसके बाद स्टार भी बच्चे इस फॉर्म में भी खा सकते हैं। और ये देखिए क्रिस्टल टाइप अलहदा, ये बड़े मज़े का एक वो व्यू बनता है।
और ये हमारी रेसिपी का एंड है। आप अगर आपको मेरी सारी बातें मज़े की लगी हों, सारी चीज़ें मज़े की लगी हों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, ठीक है, और लाइक करें और शेयर करें। ये चटपट रेसिपीज़ है जो आप लोगों के लिए बनती हैं। ओके मेरी फैमिली, बाय बाय, टेक केयर, जहाँ रहें आबाद रहें, बहुत ज़्यादा खुश रहें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और आप इसी तरह अपने और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और ये लास्ट